बहरहाल हम भजन सुनते हैं, दीक्षा हाँ साथी उनके साथी के साथ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। पाया है नर्तन को जीवन को समझ ले हम, मन के तरंगों से बचते रहे हरदम। पाया है नर्तन को जीवन को समझ ले हम, मन के तरंगों से बचते रहे हरदम। मन की कुजाले तो छलते ही रहते हैं, कैसे गुरु से मिलन होगा, हम आस लगाए हैं। ये जो जिंदगानी है, थोड़ी जिंदगानी है, कैसी जिंदगानी है ये, कैसी जिंदगानी है। पाया है नर्तन को जीवन को समझ ले हम, मन के तरंगों से बचते रहे हरदम। पाया है गुरुवर तो को ना समय गवाए हम, गुरु वही चरणों में अर्पण कर देंगे मन। तेरी याद तो गुरुवर मेरे मन में बस जाए, कैसी जिंदगानी है ये, कैसी जिंदगानी है। पाया है नर्तन को जीवन को समझ ले हम, मन के तरंगों से बचते रहे हरदम। आए हैं इस दुनिया में धोखा ना खाए हम, ये माया बंधन है इसको पहचाने हम। बड़ी समझदारी से जीवन को बिताना है, थोड़ी जिंदगानी है ये, कैसी जिंदगानी है। पाया है नर्तन को जीवन को समझ ले हम, मन के तरंगों से बचते रहे हरदम। कुछ पल में तन छूट जाएगा, कुछ काम ना आएगा, इस कामी क्रोधी मन से दूर रहे हरदम। ये जो जिंदगानी है, थोड़ी जिंदगानी है, कैसी जिंदगानी है ये, कैसी जिंदगानी है। पाया है नर्तन को जीवन को समझ ले हम, मन के तरंगों से बचते रहे हरदम। पाया है तुमको गुरुवर अर्पण है तुमको, गुरुवर कृपा करके मन सुचता रहे हरदम। ये जो जिंदगानी है, थोड़ी जिंदगानी है, कैसी जिंदगानी है ये, कैसी जिंदगानी है। पाया है नर्तन को जीवन को समझ ले हम, मन के तरंगों से बचते रहे हरदम। बोले सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर। भजन गाई है अभी, पूजा नहीं, दीक्षा गाई है। हाँ दीक्षा भजन गा रही थी, है ना? तो थोड़ा बोलो भी आकर के। हाँ आ जाओ, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय संत समाज, सभी माताएं बहनें और सभी भाई बंधुओं को मेरा सादर नमन।
शुरुआत में मुझे सत्संग में कुछ ज़्यादा सत्संग या उससे जुड़ी चीज़ों में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं थी। मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि बेटा जाओ बैठो सत्संग में, तो मैं कहती थी कि ये चीज़ तो हम फ़ोन पे यूट्यूब में या फिर नेट पे कैसे भी ऐसे देख सकते हैं, तो सत्संग में जाके बैठ दो घंटे बैठूं टाइम वेस्ट होगा और ऐसे करके बहुत करती थी। तो फिर मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं होता है, अभी मोबाइल हम लोग चलाते हैं तो मोबाइल में हमें सत्संग से पहले गाने फिल्में ये चीज़ें ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेती हैं, तो हम सत्संग तक जा ही नहीं पाते। तो बैठ हमें सत्संग में बैठने से अच्छी संगत मिलेगी और अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे और हमारी आदत भी बनेगी बैठने की। तो इसी तरह धीरे धीरे मैं शुरुआत में बैठने लगी सत्संग में और मुझे सत्संग सुनने में रुचि सच में आने लगी। फिर मैं धर्मपुरी आश्रम में गई और मैंने सबसे पहले सत्संग तो मुझे समझ आने लगे थे, लेकिन ध्यान के बारे में सबसे पहले मैंने धर्मपुरी आश्रम में जाके सीखा। वहाँ पे पहले 15 मिनट बैठना ही मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन वहाँ पे 1 घंटे सब लोग ध्यान करते थे बैठ के, तो सबसे पहले मैंने कुछ समय वहाँ पे केवल बैठना सीखा कि ध्यान में बैठते कैसे हैं। जब मुझे समझ आया कि ध्यान में बैठा कैसे जाता है, पर एक फिर से प्रॉब्लम थी कि मुझे ये नहीं समझ आता था कि ध्यान करते करते मैं सोचूं क्या। तो मुझे लगता था हमें अच्छे विचार सोचने हैं कि क्या उपलब्धि हमें चाहिए, हमें लक्ष्य के बारे में सोचना है, मैं ऐसा सोचा करती थी। पर यहाँ पर आके इन 5 दिनों में मैं बहुत कुछ सीखी, मुझे समझ आया कि ध्यान में हम विचारों के साक्षी बनते हैं, हमें विचारों को सोचना नहीं होता, जैसे आते जाते हैं हमें इस तरह विचारों को ट्रीट करना होता है। तो मुझे लगता है ध्यान की वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, अब मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं अब अच्छे से जो भी मैं सोचूंगी मैं कर पाऊंगी, और अगर आगे फ्यूचर में अगर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में शांति ला पाऊंगी और ध्यान से सच में आनंद की अनुभूति भी होती है। और सबसे ज़्यादा जो हम ध्यान करते थे और पीछे म्यूज़िक भी बजता था उसमें मुझे और अच्छा लगता था, जब गुरुदेव जी बोलते थे कि सोचो कि तुम पहाड़ पे बैठे हो या फिर आसपास बैठे हो जहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा बोलते तो उसको सच में ऐसा लगता था कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे हवा चल रही है और हम पहाड़ पे हैं, और बहुत शांति की अनुभूति होती थी। तो बस मैं मुझे एक बात अच्छी बहुत लगती, अगर होता कि हमें स्कूल में हमारी यूनिवर्सिटी में भी हमें ध्यान कराना सिखाया जाता। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अपनी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से कहना मुझे मास्टर बना दे वहाँ का मैं वहाँ भी सिखाऊंगा बहुत अच्छा लगा। देखो छोटी छोटी सी बिटिया है लेकिन एक मन में जिज्ञासा है बातों को जानने की और सीखने की, मन में एक ललक है। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बता रही थी, जो बिल्कुल शून्य से आई, मतलब जिस इस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं, सत्संग से जुड़ना, ध्यान के संबंध में जानना, धीरे धीरे प्रयास करना और इन बातों को समझना कि वस्तुतः ध्यान है क्या, और फिर भविष्य के लिए भी ध्यान करने का मन का होना। और यह वह उम्र है जिस समय मन में चंचलता बनी रहती है, राग रंग के भाव आते हैं, ध्यान से कोई सरोकार नहीं होता है। और इस उम्र में भी आदमी संयमित जीवन जीना सीख जाए या जीवन को संवारना सीख जाए तो पूरा जीवन उनका आनंदपूर्ण होगा, क्योंकि यही एक समय होता है बनने और बिगड़ने का। जो खास करके जो टीन एजर्स होते हैं बच्चे, उनके लिए ध्यान बहुत ही महौषधि है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सारी बातें बच्चों को बताई नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते, पहली बात तो जब उनको कुछ मिले तब तो जाने करें। केवल स्कूली शिक्षा के माध्यम से आज हम अपने बच्चों को
पैसा बनाने की मशीन बनाते हैं बस, कि कैसे वो पैसा कमाना सीख जाए। जीवन जीने का ढंग नहीं सिखाते हैं, जीवन का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। कम से कम जो गार्जियंस इन बातों को समझते हैं, जो अभिभावक सत्संग से जुड़े हैं, उन लोग कम से कम यदि अपने बच्चों को सत्संग में लाएं, जीवन का पाठ पढ़ाएं, जीवन में जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं से कैसे पार जाएं, इसके लिए प्रशिक्षित करें, उन्हें सद्गुणी बनाएं, धैर्यवान, सहनशील, क्षमावान, ये सद्गुणों से यदि उनके जीवन को भरते हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, एक अच्छा वातावरण बनेगा। और नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ हम लोग, देखो आजकल बच्चों को तो ये मोबाइल और क्या क्या इतने मतवाले हैं, और आजकल तो तमाम ड्रग्स करने लग गए हैं, नशीली चीज़ों को लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लेते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और वो भयंकर नुकसान करते हैं। पढ़ाई तो चौपट होती है, पूरा करियर चौपट हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के विचारों से जुड़ने से वो स्वयं अच्छा होंगे और समाज को, समाज में एक अच्छा वातावरण बनेगा, सुंदर परिवार निर्माण में, सुंदर समाज निर्माण में सबका सहयोग मिलेगा। और लड़कों को और लड़कियों को भी, किसी ने कहा है, शायद स्वामी दयानंद सरस्वती हैं या किसने, मैंने पढ़ा कि यदि व्यक्ति को पढ़ाते हो किसी, तो एक व्यक्ति को आप पढ़ा रहे हो, लेकिन यदि किसी लड़की को पढ़ाते हो तो पूरे परिवार को पढ़ा रहे हो। क्योंकि लड़की यदि पढ़ लेती है और इन बातों को समझ लेती है तो परिवार के केंद्र में होती है। बच्चे का लालन पालन करना, पूरे परिवार को संभालना, ये बखूबी समझ सकती है। इसलिए खास करके लड़कों को भी और लड़कियों को भी इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। अच्छा लगा दीक्षा की बातों को सुन करके।